नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, एम्स रायपुर में जो फार्मासिस्ट ग्रेड टू का एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि एम्स रायपुर में फार्मासिस्ट के कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम 4 सितंबर 2023 को होने वाला है। आप इसका एडमिट कार्ड अब से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसी में जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे ग्रुप ए बी सी के लिए नोटिफिकेशन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए। यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, यहाँ आपको अपना एग्जिस्टिंग यूजर में जाकर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अब हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं। तो आपको याद होगा कि जो इसका एग्जाम है वो 4 सितंबर 2023 को होने वाला है, 9 AM to 10:30 AM यानी 1 hour and 30 minute का ये एग्जाम होने वाला है। पोस्ट अप्लाइड फॉर फार्मासिस्ट ग्रेड टू। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ ले जाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपना ई एडमिट कार्ड यानी एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है वो ले जाना है। साथ ही फोटो आइडेंटिफिकेशन इन ओरिजिनल कार्ड मींस ओरिजिनल ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड ले जाना है, या फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो इन सब चीजों को आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाना है। इसके साथ ही आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ 2 recent पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। क्या क्या नहीं ले जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी बुक्स, ये सब नहीं ले जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। तो ऑल द बेस्ट सभी जो भी हैं कैंडिडेट एम्स रायपुर के लिए। इसके साथ ही एम्स रायपुर में क्या कुछ रहने वाला है एग्जाम और इसका कैसे करें तैयारी, तो एम्स पटना और एम्स दिल्ली में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो मैं इस वीडियो के अंत में अपलोड कर दूंगा। तो आप उसको जरूर एक बार देखें और फिर एग्जाम देने जाएं। थैंक यू दोस्तों।